सब पुलिस उन तक पहुंच चुकी है, अब हम उन्हें नहीं बचा सकेंगे। आई नो सर, गलतियां तो बहुत हुई हैं उनसे, बट सर दे वर द बेस्ट वंस। सर उसकी वजह से हमाद को मुझ पे भी शक हो गया। सर सर प्लीज, अगर उनके लिए कुछ कर सके तो प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। I'm so sorry. सुबह सुबह कॉल करके तंग किया है मैंने आपको। No, not at all. आप ये बताएं कि आपको घर आसानी से मिल गया, क्योंकि गूगल मैप्स अक्सर गलत जगह पहुंचा देते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है ये गूगल आंटी आपको बहुत अच्छे से जानती हैं। आप प्लीज बैठिए। थैंक यू। नींद आ गई थी तुम्हें? रात भर तकरीबन जागती है। उन लोगों के डर से जिन लोगों को सारा अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, मुझे ये सोच के नौजिया होता है कि मैं इतने साल टारगेट किलर्स के साथ रह रही थी। ये बात कहीं साबित हुई है कि वो दोनों टारगेट किलर्स हैं? सारा को खामखा का शक हो गया कि उन दोनों का ताल्लुक उसके बाप की डेथ से है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि वो आदमी जिसकी गाड़ी से अब्बू की डेथ हुई थी, वो उनके बेटे का भी कातिल था। सारा तुम जानती हो कि वो आदमी था कौन? He was a drug dealer. लड़कियों को नशे पर लगवा के उनसे ड्रग्स स्मगल करवाता था। वो आदमी जो भी था, बदमाश था, डॉन था, ड्रग डीलर था, तुम और मैं उसे मारते ये जायज होगा? मायूस होकर बहुत सारे लोग हथियार उठा लेते हैं, लेकिन तुम एक सेकंड के लिए सोचो जिन लोगों का मर्डर हुआ था वो थे कौन? कमाल एक कब्जा ग्रुप चला रहा था, बेशुमार लोगों के करोड़ रुपए खाकर बैठा हुआ था वो, और कबीर ही इज रनिंग द डार्क वेब। सारा उसके जुराए में तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम सुन भी ना पाओ। और उसका छोटा भाई उससे भी बढ़कर था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जाली मेडिसिन और ह्यूमन पार्ट्स बेचा करता था वो। सिर्फ मेरे अब्बू की बात करो, वो मासूम थे, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, तो व्हाई हिम? इन दोनों की वजह से। उन दोनों का जमील साहब की डेथ से कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं है, इस बात का यकीन मैं आपको दिला रहा हूं। सिवाय एक्सीडेंट के और कुछ भी नहीं है। आप खुद बताइए, अगर कुछ ऐसा होता तो क्या मैं सारा को उनके पास रहने देता? जो कुछ आप मुझे बता रहे हैं उसके बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मुजरिमों को सजा देने का हक किसी और का नहीं है, ये काम सिर्फ और सिर्फ जस्टिस सिस्टम का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम जस्टिस का है, मगर अनफॉर्चुनेटली सब कुछ दो चीजों पे डिपेंड करता है, पैसा या ऊपर से फोन कॉल। आप प्लीज सारा को समझाने की कोशिश कीजिएगा, ना समझे तो उसे यकीन दिलाइएगा कि मैं उसके साथ हूं और उसके लिए वही करूंगा जो उसके लिए बेस्ट होगा। कभी आपने सोचा कि हमने जो किया वो सही था? सोचा तो कभी ये भी नहीं था कि हमारा बेटा इस तरह से जुदा हो जाए। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में राशिद साहब, जिस तरह सजा और जजा भी। ऊपर वाले के हाथ से जो भी सजा मिली कबूल है निगार। इस दुनिया की किसी अदालत किसी फैसले पे कोई एतबार नहीं है, सब झूठ। फिर भी दिल नहीं मानता कि जो हमने किया वो सही किया। दिल्ली के तुकसाने पर हमने पहला कत्ल किया था, ये सोच करके बेटे के कातिल को मारकर दिल को करार आ जाएगा, मगर बदबख्त दिल, दिल पे पत्थर रखकर दिल को पत्थर कर लेते तो आठ कत्ल ना किए होते। अगर ये पछतावे ना होते तो कोई और होते। तय ये पाया कि दिल पे ना करना एतबार कोई, दिल पे ना करना एतबार कोई,
ये गाना सुनाओ। ला हॉल वेला कौन? यहाँ हमारे सर पर मौत मंडला रही है, आपको गाने सूझ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह कीजिए, शायद वो आपको माफ कर दे, वरना जो आपकी हरकतें हैं ना, आप इस काबिल नहीं। इस वक्त इसको ना मेरी कोई बात समझ में आएगी और ना तुम्हारी। तो ये सब आप ही ने किया है? आपकी वजह से ही शक किया है मैंने उन पे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पूरे घर की तलाशी लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर इन दोनों ने ऐसा कोई काम किया है तो इस घर में तो कोई ना कोई सबूत होगा ना। काशान, तुम लाउंज में जाके तलाशी लो, मैं किचन में देखती हूँ। पुलिस ने हर जगह चेक कर लिया सिवाय एक जगह के। ये तो वही आवाज है जो उस रात को भी आई थी। जब भी ये लोग देर से घर वापस आते थे तो ये आवाज आता थी। I don't believe this. एक बात मानेंगे क्या? मैं अभी उन लोगों को ब्लेम नहीं करता हूं। अगर उन लोगों ने ये सब कुछ किया है तो आप भी अच्छी तरीके से जानती है कि वो बगैर किसी मकसद का किसी का कत्ल नहीं करेंगे। आई एम नॉट श्योर। प्लीज इस कमरे के बारे में पुलिस को नहीं बताइएगा और सारा को भी नहीं बताने दीजिएगा। शर्फ वापस रखने में मेरी मदद करें प्लीज। सॉरी बदर साहब, इस दफा बहुत गलतियां हो गई हमसे। मुझे आप लोगों से गलती की तवक्को नहीं थी, क्योंकि आप लोगों के काम करने का तरीकाकार बहुत मुख्तलिफ था। हर मौत नेचुरल डेथ साबित हुई। आप लोगों को पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि सारा को इस बात का यकीन हो गया है कि उसके वालिद की मौत में आप लोगों का हाथ है। वो भी आई थी उसकी मेरे पास, मैंने क्लियर करने की कोशिश तो की है, बट सारा इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत समझदार है, उसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। वो उस वक्त तक नहीं समझ पाएगी जब तक हम दोनों से जाके बात नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ उसके वालिद के हवाले से बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारा को इस पोजीशन में डाला जाए कि कल को उसे आप लोगों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी पड़े। जी ठीक है। पूसा जी ठीक है, जाओ तुम लोग। हाँ बैठो मूसा। अच्छा बैठो। तो मूसा, कबीर और सगीर के बड़े खास आदमी हो तुम। बहुत खास। मालूम है कितना खास। दो सवाल पूछते थे तुमसे। पूछिए। कबीर के घर से किसने कॉल की थी? किसको? कातिलों को। किसने फोन करके बताया था कि कबीर अपने गार्ड्स के बगैर निकला? मैं नहीं जानता, मैं उस वक्त बड़े भाई के साथ था और छोटे भाई भी वहीं मौजूद थे।
अच्छा ये इसे पहचानते हो? जी नहीं। बेटा किससे झूठ बोल रहे हो और किसकी वजह से बोल रहे हो? अरे आप तो दीवारों से भी इकरार जुर्म करवा लेते हैं, मुझे झूठ बोलकर अपने हाथ पांव थोड़ी तोड़वाने। मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि बड़े भाई को छोटे भाई ने मरवाया। कैसे मरवाया, किससे मरवाया, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि उस वक्त छोटे भाई मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते थे। मैं बड़े भाई का खास आदमी था, मुझे थाने में रुकना है, मुझे इजाजत है? देते हैं इजाजत तुम्हें। निशान, निशान, लेके जाओ उसको अंदर। इजाजत नामा भी लिख के दो उसको। आप दोनों के पास वक्त बहुत कम है, फ्लाइट से 4 घंटे पहले आप दोनों को एयरपोर्ट पहुंचना है। हम्माद हर कीमत पर आप दोनों को अरेस्ट करने पहुंच जाएगा। इसके आगे क्या करना है आप दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब क्या करना है? मैं पुप्पो के पास पिंडी चली जाऊंगी और तुम अमेरिका। ऐसा कुछ भी नहीं होगा काशान, प्लीज फजूल की जिद मत करो। मेरे दिमाग में तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है। तो मत करो बहस, वैसे मेरे पास एक हल है। क्या? हम दोनों शादी कर लेते हैं। I'm serious. हम लोग साथ मिलकर किसी भी चीज का हल निकाल सकते हैं। इस टाइम पे इतनी फजूल बात तुम ही सोच सकते हो। मैं यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि वो दोनों आएंगे तो मैं तो क्या करोगी? पता नहीं, मेरी बात सुनकर शायद तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन मेरी नजर में ये दोनों हीरोज हैं। आशान, इससे पहले कि मैं ये कसम उठा लूं कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी दोबारा, बकवास बंद करो। सर, उन दोनों को मैं 4-5 साल से जानता हूं। सारा ने बताया था। मैंने भी तुम्हें बताया था कि उनके बेटे के एक्सीडेंट का केस मेरे पास था। लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि जमील की फैमिली कहाँ है, बल्कि आपने ये कहा था कि इतने पुराने केसेस के तो गवाह भी गायब हो जाते हैं और फाइलें भी। तो ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है सर, लेकिन आपने मुझसे छिपाया। जमील की बेटी सारा उन्हीं के पास है, बल्कि आपने ही उनके घर पे उसको किराए पे कमरा दिलवाया। उस लड़की का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है जिसे तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। सर, मैंने भी तुम्हारी तरह बीसियों केसेस पकड़े थे, तुम्हारी तरह बड़े बड़े मुजरिम पकड़े थे, पीडोफाइल्स, रेपियस, डकैत, और इससे भी ज्यादा घिनौने जुर्म करने वाले बड़े बड़े दरिंदे। मगर जानते हो कैसा लगता है जब वो अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं? कैसा लगता है जब वो विक्ट्री का निशान बनाकर जेलों से, शानो शौकत से रिहा हो जाते हैं? उस वक्त दिल करता है कि अपने आप को खत्म कर लो या इन्हें खत्म कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ड्यूटी करना छोड़ दें सर। मुजरिमों की पुष्पनाही करें, हमारा काम है उन्हें अदालत तक पहुंचाना। तुम क्या समझ नहीं रहे हो, या तुम बार बार सुनना चाहते हो कि उन्हें अदालत में पहुंचाने के बाद क्या होता है? मैं समझ गया हूं सर, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। इज्जत करता हूं मैं आपकी, और मैं कैसे मान लूं कि आप उनके साथ उनके जुर्म में शामिल हैं? मैं किसी जुर्म में शामिल नहीं था। और अगर तुम सारा की बात करते हो तो हमदर्दी से सोचोगे तो समझ जाओगे कि इससे बेहतर पनागा उसके लिए कोई और नहीं हो सकती थी। उन दोनों को गिल्ट था कि उसकी वजह से
उसके वालिद की डेथ हुई है, उन्होंने उसका इस तरह ख्याल रखा जैसा अपने बेटे का रखते हैं। हम पुलिस वाले हमदर्दी से नहीं सोचते, यही से कहा था आपने। I'm sorry sir, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर उन्हें अच्छे कामों की सजा मिलनी लिखी है, उन्हें मिलकर रहेगी, क्योंकि हमारे यहां अक्सर मिला करती है। खुदा के वास्ते तुम दोनों जाओ और जाके अपनी शक्लें ठीक करो, कुछ खा भी लो। तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? जी, पहली मर्तबा सारा और मेरे बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसका हल ना ही तो सारा के पास है और ना ही मेरे पास। मतलब ये कि सारा के नजदीक अंकल और आंटी दोनों मुजरिम हैं, और मेरे नजरिए से देखो तो हीरोज। मैं उनकी हेल्प करने के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, और ये उनको पकड़वाने के लिए जो कुछ कर सकती है करेगी। तो ये कि सारा हालात को एक नजरिए से देखने की आदी है, इसके दिमाग में अगर कुछ बैठ जाए तो वो उस पर डटी रहती है, और मैं जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करके एडजस्ट करके लेके चलने का आदी हूं। काशन, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आई थिंक सारा एंड आई शुड रीकंसीडर आवर फ्यूचर टुगेदर। लेकिन इस तरह से खुद तेरी हमें सारा से बात करनी। आप दोनों को जो भी कहना है जल्दी कीजिए, पुलिस ने घर को निगरानी में लिया हुआ है। सारा, इट्स स्टडी नाउ। सारा, कम से कम इतना हक तो बनता है इन दोनों का तुम पर। देखो, पुलिस किसी वक्त भी यहां आएगी, उनको लेके चली जाएगी, और मुझे लगता है अब ये दोनों किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है उनसे कहने के लिए। तो मत कुछ कहना, लेकिन जाकर सुन लो। सारा या पुलिस? निगार, पिस्टल्स मेरे पास है और वो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। अगर ऐसा करके तुम्हें सुकून मिले और तुम हमें माफ कर सको तो ऐसा जरूर कर लो। आप लोगों ने अपने बेटे के कातिल को माफ किया था? नहीं, बहुत कोशिश के बावजूद हम उसे माफ नहीं कर सके, इसलिए उसकी गाड़ी में सांप छोड़ दिया। हाँ, हमने सांप छोड़ा उसकी गाड़ी में क्योंकि हम उसको मारना चाहते थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती से तुम्हारे वालिद उसकी गाड़ी के आगे आ गए और आज तक हम उस गुनाह की सजा काट रहे हैं। कौन सी सजा? इस जिंदगी को आप लोग सजा कहते हैं?
सजा मैंने काटी है सजा, उसके ऊपर जुल्म यह है कि मैं आपकी छत के नीचे आपके साथ रहती रही, जिन्होंने मेरे अब्बू का कत्ल किया। जिस तरह आप लोग मोइस के कातिल को माफ नहीं कर सकते थे, मैं भी आपको कभी माफ नहीं कर सकती। इसके अलावा ये जो 7-8 लोगों को आप लोगों ने, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। उस काम पे ना हमें कोई शर्मिंदगी है, ना खुद को जुर्म समझते हैं। वाकई मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, आपसे तो था, आपसे था ना ताल्लुक, आपसे हर वो ताल्लुक था जो मेरे अब्बू के साथ मेरा ताल्लुक था। और आपने मुझे प्यार दिया, ये सिखाया कि माँ क्या होती है, से मैं सारी जिंदगी महरूम रही। आप सोचें आप दोनों ने मुझसे क्या छीना है। अगर तुम ये समझते हो कि हम, अगर तुम्हें लगता है कि हमने ये जान के किया, तो जो सजा देनी चाहो दे लो, हमें कबूल है। अगर सारी जिंदगी इस बात को ना भूलना कि तुम हमें जान से ज्यादा अजीज हो, हमें सजा हो जाए या फांसी हो जाए, तुम हमें आखिरी सांस तक जान से ज्यादा प्यारी हो। कभी हमें माफ कर सको तो बता देना, ताकि हम एक रात की नींद तो चैन से सो सकें या मर सकें। मुझ में आप लोगों जितनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने अब्बू का बदला लूं आपसे। लेकिन जो सब आप लोगों ने मेरे लिए किया है, उसको मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी, एहसान समझ के। जितना चाहूं माफ नहीं कर सकती आप दोनों को। ताहिर बोलो, वो निकले तो नहीं? ओ, नहीं सर, आपको देर लगेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके 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 सर, ओके ओके ओके। बूढ़े लोगों को अरेस्ट होते हुए नहीं देख सकती, ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा? ये वक्त ही गुजर जाएगा। क्या सारा को इस वक्त के गुजरने का जरा सा भी अफसोस नहीं है? होगा अफसोस उसे, पछताएगी भी बहुत, मगर वो एक सच्ची लड़की है, कॉम्प्रोमाइज शायद ना कर सके।
बस आप मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने दीजिए, मैं आप दोनों को सिंगापुर की सबसे बड़ी क्रूज पे लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। आ गए क्या? नहीं, बस किसी भी मिनट आते होंगे। पप्पू काशान, अंकल जल्दी उठिए, चले। हमें अब ना छुपना है ना फरार होना है। देखिए आप इस वक्त चुप हो जाइए, बाद में आपका जी करे तो आप खुद ही उठ के जेल चले जाइएगा, लेकिन हम अभी खुद ही गिरफ्तार होने जा रहे हैं। देखिए इस वक्त बहस मत कीजिए ना निगार, बस चलिए आप, जल्दी करो बच्चों। आइए अंकल, आ जाए। सारा ने हमें माफ कर दिया। शायद अंदर है? कल रात को कोई आया था पर मैं सो रही थी। आई डोंट नो, पप्पू से पूछो। आगे दोनों मतलब पकड़े गए? हद होती है, वो तो रात भर यहाँ आए नहीं। तो मैं खुद उनके इंतजार में यहाँ सो गई, आएंगे तो पकड़ के आपके हवाले कर दूंगी। रागी गरम सर, मैंने खुद देखा उन्हें घर के अंदर आते हुए, एक बुरके वाली औरत थी और एक सलवार कमीज में दाढ़ी वाला आदमी, सर मैंने खुद देखा है। भाई चंदा लेने आए होंगे, सारा के अबू हर महीने दिया करते थे चंदा कुछ लोगों को, अब सारा देती है। तुम लोग घर की तलाशी लो, चलो। लो जी फिर ले लो तलाशी, घर तो ना हुआ ना जुए का अड्डा हो गया कि जिसका दिल चाहा मुंह उठा के चला आया। अच्छी तरह से तलाशी ले लो भले, मगर उसके बाद यहाँ मत आना, क्योंकि सारा तो घर छोड़ के जा रही है, वो भी एक मोटा सा ताला लगा कर। हाँ हाँ अच्छी तरह से देख लो कि कहीं किताब बन के बुक शेल्फ में लेट ना गए हो, है ना। छत पे एक टैंकी है पानी की, वहां भी अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि उसके अलावा इस घर में चूहे के छुपने की भी जगह नहीं है। चाय पियोगे तुम लोग? तलाशियां ले लेके अधमुए तो हो चुके हो। मुराद सर, सर वो दोनों घर में नहीं है, हमने पूरा घर छान लिया। कसम खाकर कह रहा हूँ वो लोग अंदर आए थे, बाहर जाते हुए नहीं दिखा किसी ने। ये एक मिनट, ये आपके मुंह में वो गुटका है क्या? निकले अभी के अभी निकले, आपकी जुर्रत कैसे हुई गुटका मुंह में डाल के यहाँ आने की? और आपको भी सलाम है, एक नशेई को दे दिया इस घर की निगरानी पर। चलिए जाइए। जी सर। नहीं सर वो दोबारा निकल गए, मैं सर मैंने पूरी ओके सर ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं। चलो अब Thank you.
आपके पासपोर्ट्स। ये हमारी आखिरी मुलाकात है।